अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं और टेंथ क्लास की फिज़िक्स में हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और जिस चैप्टर से हमारे पास में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस वेटेज में पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में बेसिकली फिज़िक्स में टेंथ क्लास फिज़िक्स के अंदर हमारे पास में जो आते हैं वो 5 चैप्टर हैं फिज़िक्स पार्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे। और फिज़िक्स के अंदर जो हमारे पास में 5 चैप्टर आते हैं, सब फर्स्ट चैप्टर उसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास में दे रखा है, लाइट के अंदर हमारे पास में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अब इसके अंदर हमारे पास में 2 पार्ट में किस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पार्ट हमारे पास में इसका रिफ्लेक्शन का है एंड सेकंड पार्ट हमारे पास में इसका रिफ्रैक्शन का है। तो फर्स्ट पार्ट जो रिफ्लेक्शन का है उससे जो हमारे पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो मिरर आता है। मिरर, अब इस मिरर 2 तरह के हमारे पास में मिरर होते हैं, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारे पास में कॉनवेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर की हम बात करें तो इससे जो हमारे पास में क्वेश्चन बनता है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमें रे डायग्राम कैसे कैसे होते हैं, इसके 4 रे डायग्राम होते हैं जो हमने पीछे भी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद में इस रे डायग्राम के बाद में यहाँ से दूसरा पार्ट इसका बनता है इमेज फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन हमारे पास में बन के आता है वो इमेज फॉर्मेशन से। इसके अंदर हमारे पास में 6 इमेज फॉर्मेशन होती हैं और 6 इमेज फॉर्मेशन से हमारे सिलेबस के अंदर 6 इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें से एग्ज़ाम में 1 इमेज फॉर्मेशन आता है 6 में से। अगर इस पे से नहीं पूछा जाता तो फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमारे पास में सेम टॉपिक है, इसके भी 2 पार्ट में आते हैं, एक तो रे डायग्राम, और रे डायग्राम जब हमारे पास में पूछा जाता है तो रे डायग्राम से भी क्वेश्चन बेसिकली अगर आएगा तो 1 या 2 मार्क्स में आएगा। और अगर इमेज फॉर्मेशन से इसका क्वेश्चन आता है तो इमेज फॉर्मेशन से इसके लिए भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा इमेज फॉर्मेशन से। तो इसके अंदर रे डायग्राम जो वाला पार्ट रहता है तो इससे भी 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इमेज फॉर्मेशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 है, वो दोनों के दोनों इमेज फॉर्मेशन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास में जो पार्ट होता है इसका कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों स्फेरिकल मिरर के टाइप हैं। स्फेरिकल मिरर के लिए इनके कॉनकेव से रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन। अगर हम इससे रे डायग्राम से क्वेश्चन की बात करें तो इससे 4 रे डायग्राम है, 1 या 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अंदर हमें उसके बारे में लिखना भी होता है, देन अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है सीधा रे डायग्राम ड्रॉ कराएगा यहाँ पे आपसे। और अगर आप इमेज फॉर्मेशन की बात करोगे तो इमेज फॉर्मेशन 6 इमेज फॉर्मेशन है, 6 में से 1 आपके एग्ज़ाम में आती है, और अगर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आ रहा है इमेज फॉर्मेशन से तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स आपके उसमें आते ही हैं। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, ये बात पक्की है। तो ये आपके पास में इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर आपको इससे पढ़ना है इसके अंदर से आपके पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पे अगर हम देखें तो कॉनकेव मिरर के लिए जो 6 इमेज फॉर्मेशन है उनको एग्ज़ाम में पढ़ के ज़रूर जाना है, जिनके लिए हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ भी है। और यहाँ पर उसके बाद में हमारे पास में इसका जो फॉर्मूला बनता है मिरर के लिए वो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए भी हमारे पास में इम्पोर्टेंट है। वो फॉर्मूला आता है 1/F=1/kV + 1/kU। अब इसके लिए हम अभी इसका डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं यहाँ पे, इसे ऊपर लिख के
हटा के यहाँ से ऊपर से लिख लेते हैं, देन फिर सारे का डिस्कस कर लेते हैं।